Ready? Let's go. Happy birthday to Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my birthday series, where in I'll be posting one video every day for 12 days straight. So, आज की वीडियो एक बहुत ही एक्साइटिंग हॉल होने वाली है तो मैंने Amazon से कुछ बर्थडे ड्रेसेस ऑर्डर करी बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे बाहर जाने को बिल्कुल मौका नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही आउटफिट्स मंगा लेती हूँ तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टा पे बोला कि आप अमेजोन से अफोर्डेबल ड्रेसेस ट्राई करो एंड शेयर करो तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड डू दिस ओनली क्या पता उसी में से कोई मेरी बर्थडे ड्रेस निकल जाए सो so, या yeah, मैंने छः ड्रेसेस ऑर्डर करी थी एंड ऑल ऑफ देम वर अंडर एट हंड्रेड रुपीज मतलब एट हंड्रेड वाली रेंज में सेवन हंड्रेड वाली रेंज में भी दो ही गए थे बाकी सब वर अराउंड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड सो यस इट वुड बी अ ट्राई ऑन हॉल और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए विच इज़ वर्थ इट एंड विच इज़ नॉट अदर देन दैट मैंने ट्राई ऑन तो किया ही है तो अगर आपको देख के कोई पसंद आती है तो आप ले ही सकते हो सो यस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ़ यू न्यू टू माई चैनल कंसिडर इट अ बर्थडे गिफ्ट एंड हिट दैस सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बिल राइट नेक्स्ट सो दैटरी टाइम आई अपलो वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ विदआउट एनी फॉर द ब्लाबरिंग राइट इन टू द वीडियो सो जो मैंने सबसे पहली ड्रेस मंगाई है इट वॉज फॉर थ्री एटी नाइन रुपीज एंड इट इज द ग्रेसी लुक्स वेमेन्स रे ऑन फुल स्लीव ए लाइन नी लेंथ वेस्टर्न ड्रेस फॉर वुमेन और गर्ल्स वेस्टर्न ड्रेस एमेजोन एंड देयर नेम्स आई मीन लिटरली सो ये जो ड्रेस है पहचान लिया होगा दिस इज़ द ड्रेस जो मैंने पहना था अपने बर्थडे इंट्रो में एंड मैंने एक शायद बर्थडे सीरीज़ की वीडियो में भी इसको पहना था सो दिस इज़ बोथ द ड्रेस लुक्स लाइक इसके फुल स्लीव्स हैं एंड स्लीव्स में इधर बीच में सिंच है सो लाइक इट इज़ अ रेगुलर फिट सिंच एंड देन इट फ्लेयर्स आउट देन यहाँ पे भी लास्टिक है सो इट इज़ लाइक अ बबल काइनस स्लीव तो बहुत अच्छे इसकी स्लीव्स हैं माइंड यू इट इज़ अ मिनी ड्रेस ये आपकी नीज तक नहीं जाएगी थाई पे एंड करेगी ये ड्रेस बट इवन आफ्टर दैट इट लुक्स वेरी वेरी यू नो एलिगेंट एंड वेरी क्यूट तो मैं इतनी छोटी ड्रेसेस वैसे पहनती नहीं हूँ बट जब मैंने पहनी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी तो मैंने इसे रख लिया इसकी स्लीव्स फुल हैं एंड इसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट है तो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जब मैंने फ़ोटो में देखा था तो मुझे लगा था कि वो जो जॉर्जेट वाली बारबी जैसा ड्रेसेस होती है ना वैसे टाइप की होगी ये बट जॉर्ज uh, जैसा मटेरियल नहीं है इट इज़ like लाइक फैब्रिक सॉलिड फैब्रिक काफ़ी सारे डिफरेंट साइज एंड कलर के इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं विद नेवी ब्लू ब्लैकिश काइंड बेस सो इट इज़ परफेक्ट फॉर द स्प्रिंग एंड समर सीजन एंड काफ़ी अच्छा ड्रेस है अगर आप इसको यू नो स्टाइल अप भी कर सकते हो स्टाइल डाउन भी कर सकते हो स्निकस पहन के इसको आप रोज़ कैजली भी पहन सकते हो घर पर भी पहन सकते हो एंड यू कैन स्टाइल इट आप एन अटेंड पार्टीज़ इज़ ऑल्सो सो मुझे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड आई एम डेफिनेटली कीपिंग दिस वन तो जो मैंने नेक्स्ट ड्रेस मंगाई थी वॉज फॉर फाइव फिफ्टी रुपीज़ एंड इट इज़ दिस लीमी और ड्रेसेज फॉर वीमेन रेगुलर मल्टी कलर स्क्वायर नेक हाफ स्लीव पोलियस्टर प्रिंटेड ड्रेस सो इट इज़ दिस ड्रेस जो आप लोगों ने मुझे अभी हाल ही कुछ शॉर्ट्स वगैरह पे पहनते देखा था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इस ड्रेस के लिए एक्चुअली मुझे इस ड्रेस का कलर अपनी स्किन टोन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे पास ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं है स्पेसिफिकली इस ग्रीन कलर का लगा तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज मुझे ये कलर कभी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बट जब मैंने इसको मंगाया एंड मैंने पहन के देखा तो इट वॉज लुकिंग रियली गुड ऑन मी सो द थिंग विद दिस ड्रेस इज दैट इसके जो स्लीव्स हैं दे आर लाइक दिस लेंथ एंड यहाँ पे सिंच है तो अगेन ये आपको पूफी स्लीव्स का अपेरेंस देता है देन अगैन इसके यहाँ पे छोटा सा इतना ही इलास्टिक लगा हुआ है अंदर की तरफ से सो so, यहाँ पे वो ऐसे गैदर्ड डिटेल आती है देन इसमें ऐसे बो लगा हुआ है एंड द ड्रेस गोज ऑल टिल योर नीज एंड देन इसमें नीचे ऐसे रफुल हैं ठीक है सो द थिंग विद दिस ड्रेस इज़ कि जैसे स्लीवस वगैरह एरिया पे इट विल नॉट फिट यू सो अच्छा लगता है द कलर इज़ डार्क ग्रीन बट जैसे टमी पे या बेसिकली फुल बॉडी पे ये आपको फिट करेगा एंड देन ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो इट विल स्ट्रेच एंड नाउ यू सी द कलर सो होता क्या है इसके जो साइड वाला कलर है इट रिमेन्स डार्क ग्रीन एंड जो सेंटर है ना वो ऐसा वाइट लाइट ग्रीन हो जाता है सो दैट इज़ समथिंग जो इन पर्सन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है बट मुझे ड्रेस कैमरा uh, पे पहन के तो अच्छा ही लग रहा था एंड एनी uh, इसकी जो रिटर्न डेट थी वो ख़त्म हो गई थी सो आई हैड टू कीप इट एंड uh, फिर मैंने इसको वीडियोस में पहन के देखा तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले तो मैंने सोचा रख लेती हूँ बाहर uh, नहीं भी पहन पाई तो घर पे पहन लूँगी या वीडियोस में पहन लूँगी सो या मैंने इसे रख लिया बट आई वुड से लाइक फॉर यू आल्सो अगर आपको ऐसे uh, छोटा मोटा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग मॉल जा रहे हो नीचे जा रहे हो ऐसे के लिए चाहिए यू कैन गेट दिस ड्रेस क्योंकि uh, सही है बट फाइव फिफ्टी में आई थिंक यू कैन गेट बेटर ड्रेसेज आई मीन वी गॉट दिस वन फॉर थ्री समथिंग एंड दिस इज़ अ मच बेटर फैब्रिक देन दिस इसका फैब्रिक भी थोड़ा चीप फील होता है सो इन माई ओपिनियन यू शुड पास ऑन दिस ड्रेस इट जस्ट लुक्स नाइस इन पिक्चर्स एंड यू नो कैमरा वगैरह में इन person इट इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की एंड दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव purchase ऑफ दिस हॉल एंड इट इज़ द ड्रेस that I am wearing एट द मोमेंट इट इज़ ब्लैक ये है इली लंडन वुमेन्स ए लाइन एंड मैक्सी ड्रेस दिस वॉस सेवन नाइंटी नाइन रुपीज़ एंड अगर आप देखो इसमें यहाँ पे आ, लगा हुआ है इलास्टिक्स और so, यहाँ पे जो गैदरिंग डिटेल आती है काफ़ी अच्छी है एंड इसका जो नेकलाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया लाइक आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ नेकलाइंस सो so, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी देन इट हैज थ्री फोर्थ स्लीव्स एंड देन इसकी जो लेंथ है वो भी आपके नीज़ के नीचे एंड करती है सो इट लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट इसको आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेज़ में स्टाइल कर सकते हो आप इसको स्टाइल डाउन कर सकते हो स्टाइल अप कर सकते हो ये एक ऐसी ड्रेस है आई वुड से इज़ अ पार्टी अप्रोप्रियट ड्रेस इज़ अ डेट अप्रोप्रियट ड्रेस मतलब इसको अगर आप ड्रेस अप करना चाहते हो तो आप इसको काफ़ी अच्छे से एलिगेंटली ड्रेसअप कर सकते हो एंड अगर आपको इसको कैजुअल रखना है तो इसमें नॉर्मली एक स्नीकर डाल के भी Uh, you can, uh, you know, pull off a casual uh, day look. So, I really like this versatile piece, and again, it is in black color, so uh, it is a plus point. So, this dress I would say you should have in your wardrobe. So, the next dress order kariti was this Sheetal Associates Women's Maxi Sleeveless V Neck Fit and Flare Casual Dress. तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी फोटो में देखने में इट हैड अ स्लिट एंड देन नूडल स्ट्रैप्स थे मैं पहनती नहीं हूँ नूडल स्ट्रैप्स बट मैंने सोचा व्हाई नॉट गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन दिस टाइम तो मैंने ऑर्डर कर दिया था बट जब ये आया ये फ़ोटो में इतना सुंदर एक प्रॉपरली यू you नो know, एक इतना सुंदर फ्लो में ड्रेस जा रहा है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड ऑन द मॉडल्स बॉडी बट जब ये आया इट वॉज़ लाइक लिटरली जॉर्जट के दो टुकड़े पकड़ के आपस में ज्वाइन कर दिया कोई मेजरमेंट नहीं कुछ नहीं यहाँ से बह रहा है यहाँ से बह रहा है ये जो मतलब ये जो फ्लैप्स हैं वो एक के ऊपर एक एडजस्ट नहीं हो रहे हैं ड्रेस ओनली आई डोंट नो वॉट इट वॉज उन्होंने थान का कपड़ा काट के मेरे को दे दिया था एंड आई हेटेड इट सो मच कि मैंने उसको इंस्टेंटली रिटर्न किया क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाता है रिटर्न करने के लिए एंड देन रिटर्न डेट निकल जाती है सो आई जस्ट इंस्टेंटली रिटर्न डेट एंड आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू गेट इट अब मैंने ना फोटोज़ देखी थी इसकी रिव्यू वाली जो फोटोज़ थी उसमें लोगों ने पहना हुआ है और अच्छा भी लग रहा है पर सब कुछ ना बहुत डार्क लाइटिंग में फ़ोटोज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों ने उसको पहन लिया बट ऑन मी इट जस्ट डेंट फिट ओनली फिट भी क्या बोलूँ मतलब

मतलब इतना अच्छा लग रहा था उसको पहन के इट लुक्ड वेरी गुड इट वाज अ ड्रेस जो कि आराम से यू कैन वेयर ऑन योर बर्थडे इट लुक सो प्रिटी बहुत अच्छी लग रही थी द स्ट्रक्चर वाज गुड द फैब्रिक वाज गुड द लुक वाज गुड

सो ऑब्वियसली अब ड्रेस में तो मैं छोटा साइज मंगा नहीं सकती थी बड़ा भी नहीं मंगा सकती थी हुडी वगैरह होती तो चलो ओवर साइज पहन लेते, तो फॉर नाउ आई डोंट हैव दैट ड्रेस विद मी बट आई वुड से अगर आप लोग एक अच्छी ड्रेस ढूंढ रहे हो यू कैन चेक दैट वन आउट इट इज़ वेरी वेरी इन एक्सपेंसिव एंड वेरी वेरी गुड मटीरियल एंड आउटफिट इन जनरल सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो मेरा साइज उसमें जब भी आएगा आई विल डेफिनेटली गेट दैट सो जो लास्ट आउटफिट मैंने मंगाया है इज एन एथेनिक वेयर बिकॉज मैं हमेशा अपने बर्थडे में मॉर्निंग में आई गो टू द गुरुद्वारा बंगला साहेब एंड आई लाइक टू बियर एथेनिक वैन आई एम विजिटिंग एनी टेम्पल और यू नो एनी रिलीजियस प्लेस लाइक दैट सो so, मैं हर साल एक सूट और देन एक वेस्टर्न ड्रेस लेती हूँ सो अगेन दिस सूट वाज आल्सो फॉर सेवन फिफ्टी रुपीज़ और नो नो इट वाज फॉर सेवन हंड्रेड रुपीज़ एंड इट इज़ दिस ब्यूटीफुल ब्लू कलर सो ये वाला जो सूट है ना ये मुझे बहुत मतलब एक साल से लगभग uh, मेरे विश लिस्ट में था ये मुझे मीशो में दिख रहा था बहुत ज़्यादा बार तो वहाँ पे मैंने विश लिस्ट किया था पर मेरा साइज अवेलेबल ही नहीं हो रहा था देन इस बार मैंने सोचा था कि अपने बर्थडे पे तो मैंने ये ही लेना है तो मीशो पे नहीं मिला तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया दिस वॉज फॉर सेवन हंड्रेड रुपीज़ एंड फॉर सेवन हंड्रेड रुपीज़ इट इज़ अ स्टील डील अगर आपको एक एथनिक वेयर लेना है अगर आपको लगता है सेवन हंड्रेड आपका बजट है अभी जाके ऑर्डर कर लो यू विल नॉट रिग्रेटेड जैसे मॉल में कपड़े मिलते हैं ना इट इज़ दैट फैब्रिक इट इज़ परफेक्टली यू नो गुड पीस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इसके थ्री फोर्थ स्लीवस हैं एंड स्लीव्स के एंड में इसमें गोटा पट्टी का काम दे रखा है एंड ये पूरी जो इसका नेक है ये पूरा ही राउंड नेक है एंड बस इसमें बीच में ऐसा वी कट है तो काफ़ी एक एलिगेंट सा लुक दे देता है एंड काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी इसमें गोल्डन कलर की ऐसी धारियों से बर्फी काजू कतली के डिज़ाइन बने हुए हैं एंड दिस वन फिट्स रियली वेल आप इसको अपने नॉर्मल पजामा या पलाजोज़ या क्या बोलते हैं स्कर्ट्स और लेगिंग के साथ भी पैर कर सकते हो बट इसके साथ जो आता है इज़ दिस शरारा एंड uh, इसमें यहाँ पे तो इलास्टिक है उसके बाद ये इधर ऊपर से ऐसा फिटिंग है देन इट फ्लेयर्स आउट एट द बॉटम एंड इसका घेरा देखो दिस इज़ वन लेग लाइक माई एंटायर कैमरा फ्रेम इज़ कवर्ड एंड दिस इज़ वन लेग का घेर एंड ऐसे इसमें दो ले हैं ऑब्वियसली एंड अगेन इसके नीचे भी गोटा पट्टी का काम दे रखा है सो आई रियली लव्ड द शरारा एंड इसका मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस सो दिस इज अ पीस दैट यू हैव टू गेट अगर आपको सेवन हंड्रेड रुपीज के बजट में एक एथेनिक वेयर लेना है इसमें कलर्स नहीं इसमें कलर्स अवेलेबल नहीं थे दिस वॉज द ओनली कलर मे बी सर्च करोगे तो मिल जाएगा ओके okay, इस सेलर के पास इस पीस में यही कलर था एंड इसके साथ एक दुपट्टा भी आता है बस ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया लाइक इट इज़ दैट बच्चों का दुपट्टा मतलब ऐसा जो मोटा वाला नेट होता है जो बहुत ऐसा स्टिफ होता है हियर द बॉइस सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ फैब्रिक एंड ऐसे मैंने किया ना तो इसमें देखो कितनी सारी ऐसी रिंकल्स पड़ गए एंड देन पूरा ऐसा थान का कपड़ा काट के उसमें गोटा पट्टी लगा के दे दिया है सो आई डोंट लाइक दिस दुपट्टा मतलब अच्छा लग रहा है सूट के साथ पहन के लाइक like, कहीं मंदिर वंदिर जा रहे हो तो आप इससे अपना सिर ढक सकते हो नॉट बैड फॉर दैट सो लास्ट पीस जो है वो एक बेल्ट थी सो so, बेसिकली जब कभी आप ड्रेसेस वगैरह पहनते हो एंड लाइक like दिस ड्रेस ये एकदम प्लेन ब्लैक ड्रेस है एंड यू वॉन्ट टू ब्रेक दैट यू नो मोनाटनस लुक और आपको ड्रेस में एक अच्छा एलिमेंट ऐड करना रहता है तो दीज काइंड ऑफ इलास्टिक बेल्स आर अ ग्रेट ऑप्शन आपको इसमें वो लूप्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे एंड बेल्ट जैसा लुक नहीं आएगा इसका इट लुक्स लुक वेरी फैंसी सो तो इसमें ऐसे टिच बटन होते हैं एंड इसमें ऐसा वाला डिज़ाइन है आगे से इसको मैंने मंगवाया था वन फिफ्टी फाइव रुपीज़ का सो तो, नहीं वन फिफ्टी फाइव का अभी हो तो, रहा है आई थिंक मैंने इसको मंगाया था टू फिफ्टी रुपीज़ का मुझे महंगा पड़ गया तो ये इसका ऐसा इसका लुक है एंड देन इट स्ट्रेचिज इट इज़ इलास्टिक एंड देन इसको पीछे जाके आप इसके टिच बटन लगा सकते हो एंड इट विल एलिवेट एनी ड्रेस कोई भी पे प्लेन बोरिंग बेसिक ड्रेस है उसमें आप इस टाइप की बेल्ट लगा के उसको लुक एलिवेट कर सकते हो एंड uh, काफ़ी सारे और डिज़ाइन और और कलर्स सिल्वर ब्लैक काफ़ी सारे उसमें अवेलेबल है अमेजोन पे आप चेकआउट कर सकते हो सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट यू नो आउटफिट के उसमें एंड uh, मैंने और भी चीज़ें मंगाई थी अमेजोन पर फॉर सेल्फ़ केयर सेल्फ़ पैम्परिंग एंड मे बर्थडे ग्लोअप जिसमें से कि ये नेल्स भी एक थे दिजा प्रेस और नेल्स को ड्यू टेल तो वो सब मैंने अपनी दूसरी वीडियो में शेयर किया है पता नहीं कौन सी वीडियो पहले जाएगी बट हाँ मेरे बर्थडे सीरीज़ की सारी वीडियोज चेकआउट करना आपको बहुत मज़ा आएगा मैंने बहुत मेहनत करी है एंड यस uh, yes, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना कि इस वीडियो में से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था एंड या uh, yeah, अगर अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट इट सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विद अ ब्रांड न्यू वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय